हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। मैं हूँ सरिता और बहुत बहुत वेलकम करती हूँ आप सबका रांची ब्लॉगर सरिता में। तो फ्रेंड्स, आज हम एक खास टॉपिक पर चर्चा करने वाले हैं। वो टॉपिक क्या है मैं आपको बताती हूँ। देखिए, आजकल यूट्यूब पर एक ट्रेंड बना हुआ है, एक फैशन बना हुआ है कि लेडीज जो हैं, जो घर बैठी हैं या जो भी अपना कुछ हल्का फुल्का कुछ काम कर रही हैं, ब्लॉग्स बनाती हैं। बट अच्छी बात है, ब्लॉग्स बनाना कोई बुरी बात नहीं है, बहुत अच्छी बात है। टाइम भी पास होता है और कुछ अपनी अर्निंग भी हो जाती है और बिजी भी रहती हैं लेडीज़। तो बुरी बात यह है कि मैं देख रही हूँ कि बहुत सारी जो यूट्यूबर्स हैं लेडीज, वो क्या करती हैं कि यूट्यूब पे अपनी ससुराल की बुराइयाँ करती हैं। जी हाँ, अपने सास की, ससुर की, और कुछ ने तो अपने हस्बैंड तक को भी नहीं छोड़ा है, हस्बैंड की भी बुराइयाँ करती हैं। पता नहीं अगर ये बात सच है या झूठ है, बट भर भर के बुराइयाँ करती है। और थंबनेल आप ऐसे देखिएगा, ऐसा ऐसा थंबनेल रहता है कि लगेगा कि भाई वो जेल है या नरक में है या जेल में है, पता नहीं कहाँ है, इतनी बुराइयाँ करती हैं वो। मतलब YouTube को उन्होंने अपना मायका बना रखा है, जहाँ वो अपने दिल की सारी भड़ास निकाल देती हैं। नमक मिर्च बिल्कुल तड़का लगा के, जिस तरह हम दाल में तड़का लगाते हैं, उसी तरह एक छोटी सी बात में वो तड़का मिर्च नमक लगा के और बात को बढ़ा चढ़ा के बताते हैं YouTube के। देखिए, मेरे सास ससुराल में ये हो रहा है, वो हो रहा है, मेरी सास ने मेरे साथ ये किया, मेरे ससुर ने मेरे साथ ये किया, मेरे हस्बैंड ने मेरे साथ ये किया। मतलब भर भर के बुराइयाँ ससुराल की। भाई अगर ससुराल वाले अगर नहीं आ रहे हैं आपको जवाब देने, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप YouTube पे आके कुछ भी उनके बारे में बोलिए। सोचिए उनको कितना बुरा लगता होगा इस चीज़ का कि भाई वो तो जवाब दे नहीं सकते हैं, वो सोशल मीडिया पे नहीं है। आपने तो YouTube पे वीडियो बना के डाल दी कि भाई मुझे देखो, मेरे ससुराल वालों ने ऐसे किया वैसे किया, बट वो बेचारी जो सास हैं वो कहाँ अपनी बात को, पक्ष को रखें, कहाँ अपनी बात रखें कि भाई मेरी बहू ने भी तो मेरे साथ ऐसा किया, फिर मैंने ये किया या नहीं किया, किया या नहीं किया, वो भी उनका कोई पक्ष सुनने वाला नहीं है। तो बस, और जो भी ये यूट्यूबर बोलती हैं कि अपने ससुराल की बुराइयाँ करती, और उनके जो सब्सक्राइबर होते हैं, व्यूअर्स होते हैं, वो भर भर के कमेंट में गालियाँ देते हैं उनके ससुराल वालों की कि भाई तुम्हारे ससुराल वाले ऐसे बहुत बुरे हैं, उनके साथ अच्छा नहीं होगा, ये होगा वो होगा। भाई हम नहीं जानते हैं कि आप सही बोल रहे हो या गलत बोल रहे हो, क्योंकि जब तक दोनों पक्षों की बात लोग नहीं सुनेंगे तब तक पता नहीं चलता है कि सच्चाई क्या है। तो मुझे तो उन बेचारी सासों के, जो सास हैं, उनके लिए बहुत ही बुरा लगता है कि बेचारी को कैसा फील होता होगा। अगर बहुत सारी ऐसी पुराने ज़माने की सास होती हैं जो पढ़ी लिखी नहीं होती हैं, YouTube वगैरह क्या होता है उन्हें नहीं पता होता है कि उनके खिलाफ़ कितना जहर उगला जा रहा है YouTube पे। और जो पढ़ी लिखी होती होंगी वो देखती भी होंगी, कमेंट्स भी पढ़ती होंगी अपनी बहुओं की, वीडियोज़ देखती होंगी, बट वो सोशल मीडिया पर नहीं है, YouTube के वीडियो नहीं बना रही हैं, तो इसलिए वो अपना कुछ पक्ष रख नहीं पाती हैं। तो अपनी सासू माँ से बहुत प्यार करती हूँ, वो जैसी भी हैं मेरी माँ समान है, मेरी माँ है, और मैं उनसे बहुत प्यार करती हूँ। मेरे हस्बैंड भी बहुत प्यार करते हैं, और मेरी जो ससुराल है वो उनसे भी मैं बहुत ही ज़्यादा प्यार करती हूँ। भले ही कुछ अप एंड डाउन हो जाते हैं लाइफ में जब हम एक साथ रहते हैं, तो कुछ कहावत है कि जब ढेर सारे बर्तन साथ में रहते हैं तो कुछ आवाज़ ज़रूर आती है, बट वो नॉर्मल है, उससे हमारे रिश्तों पे फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। हमें बिल्कुल मिलजुल के रहना चाहिए सभी के साथ, और ख़ास करके जो हमारे पेरेंट्स हैं, इन लॉज हैं, जो कि जैसे हम अपने मम्मी पापा से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, उसी तरह हमारे हस्बैंड भी अपने मम्मी पापा से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। तो हमें उनका भी ध्यान रखना चाहिए, उनकी भी केयर करनी चाहिए, उनकी भी इज्जत करनी चाहिए, और उनके बारे में कुछ भी बुरा या अनाप शनाप बोलने से बचना चाहिए हमें। क्योंकि देखिए, अगर एक ही दो या चार वीडियोस अगर आप उनकी बुराई में बना भी लो, कुछ व्यूज़ आ भी जाएं, तो उससे क्या फ़ायदा है। अगर आप अपना कुछ जो भी आप व्लॉगिंग कर रहे हैं अच्छे से कीजिए, अगर उसमें इस चीज़ को नहीं डालिएगा, और अगर या बुरा लगता है ये सब चीज़ तो मत डालिएगा, तो क्या दिक्कत है, कुछ व्यूज़ कम आएंगे बस, इससे ज़्यादा तो कुछ होना नहीं है। लेकिन इसी के लिए, कुछ व्यूज़ के लिए ही अपनी ससुराल की बुराई करना, खासकर अपने जो
सास ससुर की बुराई करना है बहुत ही बुरी बात है, बहुत ही खराब बात है। अगर मेरी बात आपको अच्छी लगे तो इस पर ज़रूर सोचिएगा और पॉजिटिव रहिएगा, और अपनी वीडियोस में भी बिल्कुल पॉजिटिव पॉजिटिव सब कुछ कीजिएगा, बोलिएगा, अच्छे से रहिएगा, मस्त रहिएगा। और नेक्स्ट मैं आपको दिखाती हूँ अपनी सासू माँ को जो आई हुई है मेरे पास, और उनके आने से घर में रौनक छा गई है, रौनक लगी हुई है, बच्चे भी मस्त हैं, मेरे हस्बैंड भी मस्त हैं और मैं भी मस्त हूँ। देखिए, क्योंकि जो पेरेंट्स होते हैं वो छत के समान होते हैं, एक बड़े पेड़ के समान होते हैं जिसकी छाया में बच्चे सुकून से रहते हैं। क्योंकि देखिए, वहाँ पे जब मेरी माँ जी वहाँ रहती हैं, गाँव में रहती हैं और यहाँ भी आती हैं, तो बिल्कुल वहाँ भी संभालती हैं और यहाँ भी संभालती हैं, और मुझे कोई भी चीज़ टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती। क्योंकि अगर कुछ भी पूछना हो किसी ट्रेडिशन के बारे में, किसी त्यौहार के बारे में, अगर कोई रस्म रिवाज हम लोग भूल रहे हैं तो उसके बारे में, तो फटाक से फ़ोन कीजिए और पूछ लीजिए, बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। क्या होना है, कैसे होना है, किसके साथ लेन देन का क्या करना है, नहीं करना है, रिश्तेदारों के साथ, वो सब वो टेंशन उनका रहता है, तो बिल्कुल बहुएँ बिल्कुल निश्चिंत रहती हैं, बेफिक्र रहती हैं। तो अच्छा लगता है पेरेंट्स के साथ और ख़ास करके सास ससुर के साथ, अगर आप अच्छे रिलेशन बना के रखिएगा तो आपकी लाइफ भी बिल्कुल मस्त और झींगा लाला टाइप रहेगी। तो चलिए, मैं आपको मिलवाती हूँ अपनी माँ जी से, आप भी मिल लीजिए और उनका आशीर्वाद ले लीजिए। तो देखिए, यहाँ पे माँ जी मेरी बैठी हुई हैं बालकनी में और बात कर रही हैं, क्योंकि यहाँ पे आई हुई हैं कुछ हेल्थ इश्यू के वजह से। तो डॉक्टर के पास जाके मेरे हस्बैंड ने दिखा दिया था इन्हें, और दवाइयाँ वगैरह आ गई थी, जो भी जांच वगैरह थे वो सब हो गई थी। तो वही फ़ोन पे जानकारी दे रही थी सभी को, सभी फ़ोन कर करके पूछ रहे थे हाल चाल, तबीयत कैसा है, नहीं है, तो वही बता रही थी। और उसके बाद मैं नाश्ते की तैयारी में लग गई थी। तो यहाँ पे मैंने बनाई थी सत्तू कचौड़ी, जो मैदे में डाल के बनती है, माँ जी को बहुत पसंद है ज़्यादा, तो यहाँ पे मैं वही बना रही थी। तो मैंने थोड़ी सी क्लिप ले ली आपके लिए। ये बेसिकली ये आटे में भी बनती है, बट अगर मैदे में ज़्यादा टेस्टी बनती है, जब मैदे को खास्ता करके और जो सत्तू का जो मिक्सचर होता है, जो हमारे बिहार में काफ़ी प्रचलित है, तो वो डाल के इसमें उसकी पूड़ियाँ छानी जाती हैं, तो काफ़ी खाने में टेस्टी होती है। और यहाँ पे सभी लगे हुए हैं लूडो में, देख लीजिए, यहाँ पे मेरी माँ जी और मेरा बोटा बोटा बोल रहे हैं बेटा, गजब गजब पोज दे रहा है कैमरे को देख के, और सभी यहाँ पे मस्ती कर रहे हैं लूडो की। बाहर तो बारिश हो रही थी तो बच्चे खेलने भी नहीं गए, तो घर में ही दादी आई हुई थी, तो दादी के साथ वही लूडो की मस्ती चल रही थी इन लोगों की। और चार जने ही खेलते हैं तो बस मैं साइड होके मज़े ले रही थी अलग से ही, और देख रही थी इन लोगों की नोकझोंक। सभी एक दूसरे को गोटियां काटने में लगे हुए थे, तो मैं भी खेलती हूँ इनके साथ है, जब माँ जी नहीं रहती हैं तो चार जने हम लोग रहते हैं, तो मैं भी बच्चों के साथ कभी कभी खेल लेती हूँ। और पहले भी खेलती थी बट काफ़ी दिनों से छूट गया था, लेकिन लॉकडाउन में लूडो फिर से फैशन में आ गया है, तो मैं खेल लेती हूँ यहाँ पे। और मैंने आपको कुछ दिन पहले एक चूहेदानी लाई थी मैंने, तो आपको दिखाया था कि देखिए मैं इसमें आपको चूहा फंसा के दिखाऊंगी, और देखिए नेक्स्ट दिन ही इसमें एक चूहा फंस गया। रात में मैंने इसमें रोटी लगाई और अगले दिन ये मोटा सा चूहा इसमें अब फंस चुका है, और ये काफ़ी अग्रेसिव हो गया था चूहा, काफ़ी उछल रहा था और बड़ी डरावनी सी आवाज़ें निकाल रहा था। मैंने तो चूहे की आवाज़ आज तक सुनी नहीं थी, ऐसे चूं चूं सुनती थी छोटी सी चूहिया की, बट ये तो गजब था, बड़ी भयानक आवाज़ें निकाल रहा था, लग रहा था कि जैसे चूहा नहीं ये बिल्कुल शेर अपने आप को समझ रहा था पिंजरे में, और उसी तरह उछल रहा था। और इसे हम लोग मारते नहीं हैं चूहों को, हम लोग ले जाके कहीं बाहर दूर खेतों वगैरह में फेंक देते हैं, जहाँ से वापस ना आ पाए। मारना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है चूहों को, तो हम लोग इसी तरह फंसाते हैं और उसके बाद इसे ले जाके जंगल में फेंक देते हैं, ताकि ये फिर से वापस घर में ना आए। तो ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आपको कैसी लगी वीडियो ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।